हाय फ्रेंड्स, आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आलू दम, जो कि टेस्टी चटपटा होता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम लोग शुरू। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए छोटा आलू, और जो कि बहुत अवेलेबल है। तो हमने छोटा आलू लिए हैं, बॉईल किया हुआ है। आप चाहे तो बॉईल करके बना सकते हैं, मेरे पास रेडी था तो मैंने लिया। उसका इंग्रेडिएंट रेडी है, टोमेटो, ओनियन और कैप्सिकम भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं बॉईल किया हुआ आलू को हम छीलेंगे चाकू से, इसी तरीके से। अगर आप हाथ से छीलना चाहते हैं तो हाथ से भी छिला जाएगा, तो चाकू से बेहतर होगा छीलने के लिए, आसान भी होगा। तो मेरा आलू छिला चुका है, और मैं इसके बाद मैंने प्याज को स्लाइस कटिंग करूंगा। इसी तरीके से आपको भी स्लाइस कटिंग करना होगा, ताकि इसको अगर आप बॉयल करके ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो बॉयल बनाया जाएगा। मैं तो इसको फ्राई करके बनाऊँगा ग्रेवी, जो कि फ्राई किया हुआ ओनियन का ग्रेवी बहुत मस्त बनता है, इसीलिए मैंने फ्राई करके बनाऊँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका रेसिपी समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैंने दो प्याज लिया था, जिसको डेढ़ प्याज को मैंने ग्रेवी के लिए रेडी किया, और आधा प्याज को मैंने जुलियन कटिंग करके रखूँगा, और आधा शिमला मिर्च को भी मैं जुलियन कटिंग करके रखूँगा, जो कि कढ़ाई। तो जुलियन आप इसी तरीका काट के रेडी कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी काट लीजिएगा। इसके बाद मैंने ग्रेवी के लिए 1 पीस टोमेटो लाल होना चाहिए, ताकि ग्रेवी में कलर अच्छा ला सके रेड, और अगर कच्चा रहेगा तो खट्टा भी लगेगा और कलर भी नहीं आएगा, इसलिए आप लाल लीजिएगा। और इसी तरीके से स्लाइस काटिएगा। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया हो, आप चाहे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो नॉन स्टिक में 1 डब्बू तेल डाल के, और मैंने नॉर्मल तेल में इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हीट रहेगा तो आलू ऊपर से काला होने का चांसेस रहेगा, इसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। और तो बहुत जैसे मैं कर रहा हूँ, और मेरा आलू रेडी हो चुका है, उसको दूसरे जाली में छान लेंगे। और इसी फ्राई पैन में हमने ग्रेवी का इंग्रेडिएंट रेडी करेंगे, जो कि 2 इलायची, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। उसके बाद ओनियन, इसको इसी तरीके से भून लेंगे ताकि जले ना। और आप अगर बॉयल करके बनाना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा बनेगा। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमको भूजते लाना है, बीच बीच में चलाना है। और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, जो कि मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका था। अब टमाटर के साथ भी भूनेंगे, और मैं इसमें काजू ऐड कर रहे हैं, जो कि 20-30 ग्राम काजू भी है, जो कि कलर अच्छा लाएगा, स्मूथ करेगा इस ग्रेवी का जो थिकनेस होता है वो अच्छा लगेगा। और इसमें नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, ताकि थोड़ा सा रेड लाएगा कढ़ाई आलू दम रेड। अब मेरा ग्रेवी तैयार हो चुका है पीसने के लिए, देखिए इसी तरीके से बॉयल भी हो चुका है। तो हम मिक्सी का जार में पीसेंगे, और याद रहे कि मिक्सी में जब भी पीसे तो ठंडा करके पीसे, गर्म गर्म ना पीसे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं, अब मेरा ग्रेवी पिसा गया, रेडी हो चुका है। एक नॉन स्टिक पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाले हैं, थोड़ा सा लहसुन चॉप डाले हैं, थोड़ा सा लाल मिर्चा डाले हैं, थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप डाले हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें गोटा जीरा डाले हैं। आप थोड़ा सा मैंने इसमें जो जुलियन कटिंग किए थे प्याज और कैप्सिकम, उसको ऐड करके पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट। और मैंने जो ग्रेवी पेस्ट करके रखा था उसको ऐड करेंगे, लेकिन उसको ऐड करने से पहले मैंने इसमें थोड़ा मसाला डाल लेंगे, जो कि इंडियन मसाला है, किचन किंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे, जो कि हम लोग बनाते हैं खुद अपने हाथों से कढ़ाई मसाला, उसको मैंने ऐड किया थोड़ा 2 चुटकी भर, और इसको भूज लेंगे। भूजने के बाद मैंने जो ग्रेवी पेस्ट करके रखा था उसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद 2 मिनट इसको भून लेंगे, अगर पानी का ज़रूरत होगा तो पानी ऐड करेंगे, नहीं तो मेरा ग्रेवी बनकर रेडी है, क्योंकि मैं ग्रेवी को बहुत पहले भी पकाया था ओनियन और टोमेटो के साथ। तो मेरा ग्रेवी रेडी है, अगर आपको लगे तो थोड़ा सा इसमें लाल मिर्चा पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया कलर लाएगा। मैंने 1 चम्मच इसमें पानी ऐड किया हूँ, और पानी इसलिए ऐड किया हूँ जो कि आलू के साथ 2 मिनट इसमें पकेगा, तो बहुत बेहतरीन आलू के अंदर मसाले एब्जॉर्ब कर लेंगे और पक भी जाएंगे, थिकनेस हो जाएगा कढ़ाई आलू दम, जो कि बेहतरीन है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मेरा कढ़ाई आलू दम बनकर रेडी हो चुका है। और मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रहा हूँ, जो कि देखने में अच्छा लगेगा, और धनिया पत्ता एक अलग खुशबू लाता है, इसलिए धनिया पत्ता ऐड करिए अभी के मार्केट में धनिया। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और मेरे रेसिपी को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कितना बेहतरीन रेसिपी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए रेसिपी, योर एंजॉय। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यहाँ पे गाना लगाना है ना।